सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनकॉम्प्लिकेटेड लीगल नोट्स. दिस इज़ नेहा कुशवाहा एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ क्राइम. ठीक, सो जो इसमें स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होती हैं उनको डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं. एंड जो इसका पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically there are four stages of crime. The first one is contemplation या फिर intention. Second is preparation to commit crime. Third one is attempt. Fourth one and this is last stage, accomplishment. Right? So अब detail में देख लेते हैं. जो contemplation होता है या intention होती है ये पहली stage है. ठीक, और इसको मेंटल और साइको स्टेज भी कहा जाता है. अब केवल किसी ऑफेंस के लिए इंटेंशन क्रिएट करना अपने मन में और उसके लिए कोई एक्ट ना करना, तो उसको तो पनिश कर नहीं सकता है कोर्ट. ठीक, तो जो ये पनिश जो ये स्टेज है कंटेम्पलेशन या फिर इंटेंशन की, ये पनिशेबल नहीं होती है राइट अंडर IPC 1860. सेकेंड स्टेज क्या है इसकी, प्रपरेशन टू कमिट क्राइम. अब अपन ने सोच लिया, इंटेंशन बना ली कि भाई अब मुझे चोरी करनी है इस फलाना फलाना घर में जाके. अब उसके लिए मुझे प्रपरेशन करनी पड़ेगी, है ना. मैं रस्सी ले आती हूँ और जो स्टेयर्स रहती हैं या सीढ़ियाँ रहती हैं लकड़ी की, वो लेके रख देती हूँ वहाँ पे जाके उस घर में. ठीक, अभी मैंने प्रिपरेशन कर दी, बट एट द एंड क्या किया मैंने, मैं नहीं गई उस घर में चोरी करने के लिए. मैंने प्रिपरेशन तो की बट मैं वहाँ पे गई नहीं, है ना. बट यहाँ पे ऐसे कुछ प्रिपरेशन होते हैं जो पनिशेबल भी होते हैं, है ना. ये देख लेते हैं, जैसे कि हो गया वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अगेंस्ट में वेज वार करना सेक्शन 122 ऑफ IPC 1860 में दिया गया है. आप लोग बेयर एक्ट ख़रीद लें डिक्लॉर्ड एडिशन में और उसमें देख लिया करें, सेक्शन दिए रहते हैं हिंदी और इंग्लिश में राइट. अब सेक्शन 126 ऑफ IPC 1860 भी पनिशेबल है, इसकी प्रिपरेशन आप करेंगे ये भी पनिशेबल है IPC में. क्या है, कमिट डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ अ पावर एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट. और डेकॉइटी की प्रिपरेशन भी पनिशेबल है अंडर सेक्शन 399, है ना. अब जैसे कि काउंटर फीटिंग कॉइन्स करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्टैम्प्स बनाने के लिए कर रहे हैं, जैसे किसी ने मशीनरी वगैरह खरीद ली है उसको गवर्नमेंट स्टैम्प्स बनाने हैं नकली, तो ये पनिशेबल होगा भाई, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, है ना. सेक्शन 233 से 235 तक, सेक्शन 255 है और सेक्शन 257 है. आप इनको डिटेल में रीड कर लीजिएगा अपने बैरक्स में. नाउ द थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट. अब इंटेंशन भी हो गया, अपन ने प्रिपरेशन भी कर ली, अब बारी आती है अटेम्प्ट की. अब अटेम्प्ट करना है ठीक. जो अब यहाँ पे थ्री इसेंशियल्स हैं अटेम्प्ट के, गिल्टी इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस, है ना. ऑफेंस कमिट करने के लिए गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, उस ऑफेंस के लिए उसको करने के लिए कुछ एक्ट होना चाहिए ठीक. और द एक्ट मस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ द कंप्लीटेड ऑफेंस ठीक. तो ये तीन इसेंशियल हैं अटेम्प्ट में. अब देखते हैं, अटेम्प्ट सुसाइड इज अकम्प्लिश्ड ऑफेंस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो सुसाइड कर, जो अटेम्प्ट सुसाइड है उसको माना जाएगा कि वो अकम्प्लिश ऑफेंस है राइट. मतलब कि वो उन्होंने ऑफेंस कर दिया है. अब भाई सुसाइड करने के बाद व्यक्ति तो रहेगा नहीं जिंदा, तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी. अगर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की है और वो ज़िंदा रह गए
तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, है ना। फोर्थ एंड द लास्ट स्टेज इज़ अकम्पलिशमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेज। इफ द अक्यूज सक्सीडेड इन इट्स अटैम्प्ट टू कमिट द क्राइम, ही विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, राइट। और जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि चोरी करनी है किसी के घर में जाके, राइट। सपोज कोई ए है और बी है, ए को बी के घर में जाके चोरी करनी है, उसने सारी प्रिपरेशन भी कर ली है, अब उसे उसने अटेम्प्ट किया और उसने वो सीढ़ी लगा के रात में घुस गया उसके बी के घर में, और जो उसको चाहिए था या जो भी चोरी करनी थी वो चुरा के ले आया, तो ये अकम्पलिशमेंट कहलाएगा। यानी कि जो ए है वो सक्सीड हो गया है ना अपने अटेम्प्ट में, राइट। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी सजेशन देना हो आप लोगों को तो सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। दैट्स इट।